अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो बनाई था, मुझे एक चीज नजर आ गई कि हमारी फिंच बॉयल निकली है। अभी हम इसको अंदर करते हैं और उसके बाद मैं आपको अपने टर्की बर्ड वगैरह के बारे में बताता हूं कि टर्की बर्ड मैं अंदर क्यों लेके आया हूं, मेरी जू में मैंने क्यों नहीं रखे। तो पहले हम अपनी फिंच पकड़ लेते हैं। इसने तंग करना मुझे, अव्वल जाती गई नहीं है ये, क्योंकि इसको पता बड़ा घर का। देखता मैं इसे यहाँ से उठाता हूँ, बाहर आ जाएगी। नहीं जाएगी, अपने घर से नहीं कहीं जाती ये बैठ। दूर कहीं नहीं जाएगी, यहाँ यहाँ ही घूमती है। अब इसे हम छोड़ते हैं, अब हम इसको इसके अंदर मास्टर टेक के अंदर छोड़ते हैं। ये देखिए बहुत तेज चार्टर मिल गई, छोटे छोटे पड़ों के साथ पता नहीं इतनी कुर्ती कहाँ से ले आते। ये देखो चलो जाओ अंदर। ओह पता नहीं बाहर कैसे आई है, मैंने तो देखा तो उड़ के वहाँ कहीं से आई है, यहाँ आके बैठ गई है। तो दोस्तों अब हम आपको बताता हूँ कि हम अपने टर्की बर्ड्स के ऊपर लेके आए। तो ये जो आप ब्लैक आपको टर्की बर्ड नज़र आ रही है, मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये ब्लैक आपको टर्की बर्ड जो नज़र आ रहे हैं ना, ये बीमार हो गया था, इसकी टांग में फड़फड़ हो गई थी क्योंकि ठंड की वजह से इसका खून जो है जम गया था। तो मैंने इसे काफ़ी देर तक गर्माइट थी, इसके पास आग जलाई और उसके बाद जाके ये आज अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं टर्की बर्ड अपने सारे इधर ले आया कि इन्हें ठंड ना लगे। और बाकी में मेरी चिकोर है। तो दोस्तों ये सब सोच की खबर है कि इनमें से एक फोत हो गया, बच्चा नौ थे एक मर गया, तो अभी ये आठ हो गए। और वो जो मरा वो फीमेल थी, मेल भी नहीं था, फीमेल हमारी मर गई है। बाकी अब जो इस टाइम मेरे पास है वो चार मेल है और चार फीमेल है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है, ये बोलता भी बहुत ही कमाल का, ऐसे ऐसे लगे होते हैं। और हमेशा ही ऊपर खुद ही जाते हैं ना, तो नीचे आते इधर लाइन में तड़ तड़ जैसे ट्रेन आ रही है साइड पे, और जो बीच में लग जाएगी यूँ बोलते आते हैं। और एक इनकी मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है ना, वो ये है कि ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ये कभी यूँ नहीं होता कि एक नीचे आ रहे हैं बाकी ऊपर जा रहे हैं, ये ग्रुप में ही होते हैं। एक नीचे आ रहा है कर रहा है। तो दोस्तों इनको गर्म पानी इसीलिए देना होता है क्योंकि गर्म पानी की वजह से ये ज़्यादा ठीक रहते हैं, इनको ठंड नहीं लगती। तो बाकी आप ये गोल्डन सरप्राइज देख रहे हो कि हमारी गोल्डन सरप्राइज के साथ के जो दो फीमेल तो आपको किसने क्या इस बेचारे को लगवा दो, इसे पकड़ो आराम से इसे कहीं और दो, वो ये तो सारा खा देंगे, इन्होंने तो छोड़ना भी नहीं। तो दोस्तों आज मैंने एक चेकिंग भी करनी है कि जो मेरे पैरेट्स हैं वो बार बार जाके मटकों में बैठते हैं, तो आज मैं देखूंगा उन्होंने एग्स दिए कि वैसे मुझे पागल बना रहे हैं, कभी उधर घुसे होते कभी इधर घुसे होते। और बाकी हमारे चिंचे वगैरह में भी घर बनाए हुए हैं, इनकी भी समझ नहीं आ रही है अंडे कब देंगे। और बटेरों का तो पता है शायद ये गर्मियों में ही अंडे दें या इस मौसम में दे दें। सोच रहा हूँ हमने इतना बड़ा मजबूत दोस्तों, सर्दियों की वजह से हमारा एक बेचारा मर गया था और हम टर्की बर्ड भी है क्योंकि हमारे ब्लैक टर्की बर्ड की बहुत हालत ख़राब थी। तो दोस्तों हम अपने अंगूरा रेड एंड पैरेट भी और रैबिट भी जो है वो ले आए हैं, ऊपर जो उनका पुराना घर था उसको देख के बहुत खुश हुए होंगे। और दोस्तों आप कह रहे हो आप परिंदे क्यों लाते, दोस्तों सर्दियों में हमारा भी नुकसान होता है, परिंदों की भी जान जाती है। तो जब गर्मियाँ आएंगी हम ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे लाएंगे, आप हमारे ब्लॉग देखना बहुत ज़्यादा मजा आएगा। कलर चल रहा है इनका फुल वाइट, और इन्होंने अपने कलर के बीच में थोड़ी सी अपने कलर की भी शेड डाली, ये ब्राउन ब्राउन हुआ और वो ब्लैक ब्लैक हुआ, मसला कोई इतना प्यारा कलर था आपका। और ऊपर से ये देखो इन्होंने तो ऐसे बाल बनाए हुए हैं, इनको जैसे मेरे से भी कमाल इनके बाल है। हमारे भी पीछे आ रही है बर्ड की, ये देखो अभी मैं आया तो यहाँ से पैर टूट के वहाँ चले गए, वो इन्हें क्या हो गया मुझे बिल्ली समझ रही है, मैं कौन सा आपका शिकार कर लेना। बाकी ये देखिए बटेरे का कलर भी खड्डों की तरह ही हुआ है, वो भी थोड़े तो फुल वाइट हो गए, ब्लैक हुए हुए, ये भी फुल वाइट हो गए, मट्टी में जैसे गंदा हुआ है। बाकी हमारी ये जो सिल्वर सरप्राइज है ये तो बिल्कुल ही एक्टिव और बिल्कुल ही ठीक है। और अब मैं आपको मास्टर केज के बारे में बताता हूँ। तो
टेरिस भी हैं हमारे पास और इधर काफ़ी काफ़ी खूबसूरत तोते हैं हमारे पास जिन्होंने एग्ज भी देने और कई हमें दिए भी हुए हैं। फिंचों ने इधर घर बनाया हुआ लेकिन इनकी समझ नहीं आ रही मुझे एग्ज देती हैं कि नहीं देती। तो बाकी ये जो हमारे बटेरे हैं ये तो मट्टी में खेलते रहते हैं और बहुत खुश होते हैं। भैया हमारी घर का हमारे पास जो है पक्का दो जी 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 मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के मीटिंग में कर लूँ तुमने अंडे देने के कह दें देखते रहें और आपको मज़ा आए हमारे व्लॉग देखने में और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें हमारी वीडियो पे लाइक करें और हमारी वीडियो पे कमेंट करें।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल गुलेल वाले को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मैंने चला गया, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह।